The tenors have begun! भले ही हम आज के इस आधुनिक युग में भूत प्रेत और जिन्न के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सदियों से हमारी दुनिया में कई ऐसी घटनाएं होती रही हैं, जो कि हमें इन पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देती हैं, और यहाँ तक कि जाने अनजाने में ऐसी घटनाएं कैमरे में भी कैप्चर हो जाती हैं। तो दोस्तों, मिस्टीरियस नाइट इंडिया के इस एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसी ही डरावनी वीडियोस दिखाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्न के कई रूप होते हैं, जिनमें से कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं। इंसान को जिन्न द्वारा पोजेस किए जाने की बहुत सी घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं, जिनमें से एक ये वीडियो है जिसमें एक प्रोग्राम में एक महिला इन मौलवी से फोन पर कुछ सवाल कर रही होती है, लेकिन आगे जो होता है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। Also, follow up. Also, when people. I'm sorry, I can't speak no more. Bismillah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت الذي إذا شئت تجعل الحزن سهلا اللهم سهل اللهم سهل او الله give her the speech إن شاء الله اللهم give her the power to continue her speech يا الله كاريون إن شاء الله Carry on, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara and the tawheed, I've opened. दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बात करते समय उस महिला की आवाज अचानक से बदल जाती है, जो सुनने में काफी डरावनी होती है, और ऐसा लगता है कि मानो उस पर किसी जिन्न का साया हो। इसके बाद वो मौलवी उस महिला पर दुआ पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद वो महिला जल्द ही रिकवर हो जाती है। इसके बाद मौलवी और उस महिला के बीच बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एक बार फिर से उस महिला पर जिन्न हावी हो जाते हैं, और जिसके बाद वो महिला एक बेहद डरावनी आवाज में बात करने लगती है। My sister, why they prevent you to go to court? Because they do not want me to speak against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked her, ya Aduwallah. You enemy of Allah. You blocked her, huh? But inshallah, Allah tabaraka wa ta'ala block you in this dunya, in the akhirah. Remember, ya ayyuhal jinn, remember inshallah that you are going to stand before Allah, yawm al-qiyamah, and Allah going to ask you why you enter this body. What you are going to say to Allah ta'ala, yawm al-qiyamah? What you are going to say to Allah Ta'ala or the jinn in that body? No! What you are going to say to Allah Ta'ala? Are you Muslim or a non-Muslim? No, Muslim. Who created you? Who created you?
Remember that you are going to stand before Allah subhanahu wa ta'ala. You are going to die, yeah? And remember Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, He will ask you why you enter the body of that lady. दोस्तों, ये वीडियो स्पेन के किसी इलाके के सीसीटीवी की है, जहां एक कपल शाम के वक्त वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन शायद वो अकेले नहीं हैं, क्योंकि कुछ ही सेकंड बाद हमें उनके पीछे एक सफेद धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, जो कि आखिर तक उनका पीछा करती है। दोस्तों, अगली वीडियो एक रशियन घोस्ट हंटर डेनिस डार्क लाइफ की है, जो कि एक अबेंडेंड हो चुके घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है, और उनके मुताबिक ये घर काफी हॉन्टेड है, जहां बहुत सी बुरी आत्माएं रहती हैं। वे इस घर को एक्सप्लोर कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ भयानक घटित हो जाता है। दोस्तों, अगर आप देखें तो इस रूम के कोने में पड़ा रैक अपने आप ही नीचे की तरफ टिल्ट हो जाता है, और अगर आप जरा जूम करके देखेंगे तो इस रैक के नीचे मौजूद ड्रॉर भी अपने आप ही खुल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस घर को आगे एक्सप्लोर करते वक्त इस रूम में मौजूद टेबल पर अचानक ही रहस्यमय ढंग से आग लग जाती है, जिसे देखकर डेनिस काफी डर जाते हैं और वक्त के रहते ही उसे बुझा देते हैं। इसके अलावा इस घर में एक और भयानक घटना घटित हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, डेनिस को एक कोने में एक धुंधली परछाई नजर आती है, जो शायद इस घर में होने वाली घटनाओं का कारण थी। दोस्तों, हो ना हो, ये एक क्लियर कट संकेत है कि इस घर में मौजूद स्पिरिट या डीमंस बिल्कुल नहीं चाहती कि डेनिस उनके बीच दखल दे। दोस्तों, अगली वीडियो एक इंडियन यूट्यूबर की है, जो अपने एक दोस्त के साथ किसी सुनसान जंगल को एक्सप्लोर करने जाता है। इस जंगल के माहौल को देखकर ऐसा मालूम होता है कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर है, जैसा कि किसी असाधारण चीखने चिल्लाने की आवाज जो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। खेतों से इधर उधर हमारा लाइट ही बुझ जा रहा है, हमारे यहाँ पे लाइट भी कनेक्शन बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। हम गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहे कि ये लाइट क्यों बंद हो जा रही है। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रुकने लायक है। इस जंगल में आगे बढ़ते वक्त इन लोगों के पास मौजूद टॉर्च भी बार बार बुझने लगती है, जो कि किसी हैरत से कम नहीं है, जिसके बाद वो आग जलाकर रोशनी करके फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते वक्त जंगल का माहौल और भी डरावना होने लगता है, और तभी उन्हें एक जोरदार चीखने की आवाज सुनाई देती है। निकलते हैं अब यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रुकने लायक है। आज ना हद हो गई यार, चल चल थोड़ा फास्ट चल, यहाँ से चल इस साइड ही चलते हैं हम लोगों को, जैसे ना इस कॉर्नर इस ऊपर चल ये लकड़ी के संभाल के संभाल के आना, मुझे लग गई। अब देखना, ज्यादा तो नहीं लगा,
यहाँ से नीचे इतना ही नहीं दोस्तों, जब ये दोनों दोस्त वापस जाने लगते हैं तो रास्ते में इनका लाइटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि इनकी बाइक भी रहस्यमयी ढंग से बंद होने लगती है, जो कि अपने आप में एक बेहद डरावना मंजर है। यार आज लाइट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ये हमारी रिंग लाइट लेके आए हुए थे हम लोग, अच्छा खासा इसका सेटअप बना के लाए हुए, लेकिन बंद हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। रुक जाओगे एक मिनट, अब रुकना नहीं है, फटाफट भागो यार। आवाज है, ओह माय गॉड यार, हमारी बाइक ना पूरा, मतलब जैसे लग रहा है कि उसको God. वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वो चिल्लाने की आवाज वाकई में किसी पैरानॉर्मल एंटिटी की है, या फिर आधी रात में कोई महिला इस जंगल में काला जादू करने आई थी? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो एक जंगल की है जिसमें के एक घने पेड़ के ऊपर एक इंसानी आकृति खड़ी हुई दिखाई देती है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये कोई बंदर या चिंपैंजी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस इंसान नुमा आकृति की चाल बेहद अजीब और डरावनी है, जो बिना किसी सहारे के इतने बड़े पेड़ पर आराम से खड़ी है। कुछ देर बाद ये पेड़ के अंदर ही कहीं छिप जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है, या फिर काला जादू करने वाली कोई विच जिसने शैतान के साथ कोई डील की हो? कुछ ऐसी ही एक वीडियो हमारे भारत में यूपी के जौनपुर जिले में स्थित केराकत नामी गांव की है, जिसमें एक महिला नीम के पेड़ की एक पतली सी डाली पर चढ़कर नमाज अदा करती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये औरत बिना किसी सहारे के इस पेड़ पर चढ़कर नमाज पढ़ती है और फिर चली जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इस औरत पर किसी जिन का साया है? तो दोस्तों इन वीडियोस की सच्चाई क्या है ये तय करना आपके हाथों में है। वैसे आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा डरावनी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।